हाँ, दिस इज द मनोलिस का मॉल रोड। मैं उर्गेन और मैं घर वालों से भाग के आ गए। हाँ, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं। पता नहीं, अभी एक और बंदा अभी मिला। हाँ। बोलता हैश चाहिए, इससे पहले बंदा बोलता ज्वाइन। मैं सोच रहा इसको बोल रहा है आपको मसाज चाहिए, मैं इसके पीछे पीछे बोला था तो फुट मसाज करा रहा हूँ मैं, तो भाई बहन दोनों भी फुट पर मसाज करा रहे हैं यहाँ पे। हम लोग 7 बजे से निकले थे। हाँ, वो तो सही बात, बहुत थक गया था, बैठ बैठ के थक गया मैं तो। ये तो बाइक चला के थक गया, मैं गाड़ी में बैठ के थक गया। हाँ, तो चलो बढ़िया सा मसाज करा लेते हैं। बार्गेनिंग उर्गेन ने कर दिया तो ठीक है। फिर मैं आगे हैं। We have changed our location because वहाँ पे कोल्ड कॉफी 400 का था। मैं मेरे को पे करने का मन नहीं था। ऊपर से वो बोल रहा था कि कुछ तो शेफ भी नहीं है, कुछ कुछ हमने बोला 400 भी दे देंगे। बट क्या नहीं था? क्या? जिंजर लेमन टी। इसको जिंजर लेमन टी पीना था। तो फिर हमने प्लान किया, चल कोई बात नहीं, जो भी प्राइस है हम ले लेते हैं। देन उसने बोला कि जिंजर लेमन टी है, बोलते नहीं शेफ नहीं है। मैंने बोला कि अगर जिंजर लेमन टी बनाने के लिए भी शेफ चाहिए। हमको बहाना मिल गया और हम भाग गए। और यहाँ पे आ गया हम। इस कैफे का नाम है कैफे कॉफी ड्रिप्स। यप। इन्होंने बोला टेक अवे भी हो जाएगा क्योंकि हमें अभी शादी के लिए रेडी होने जाना है। सो वी आर गोना टेक इट अवे एंड लीव फॉर द वेडिंग। सब लोग फ्रेश अप होने जा रहे हैं अपना अपना सामान लेकर। नंदे इधर है, उर्गेन और रानी चीनी पीछे आ रहा है। A few moments later. क्या मैंने चल रहा है? सॉरी अच्छा, मैंने यहाँ पे मैंने चल रहा है। अंगूर पसंद है आपको? काले अंगूर। मेरा मुंह भी आना चाहिए। सो अगले दिन हम लोग सुबह 7 बजे दुल्हन लेने बारात के साथ निकल पड़े एंड कुछ इस तरह था हमारा सफर। इस तरह हमारा वेलकम हुआ और हम लेने गए दुल्हन को। एंड वहाँ पर एक रस्म होता है जिसमें दूल्हा साली लोग को लाइक ब्राइब करता है, उसे उन्हें पैसा देता है। और ये काफ़ी मतलब फनी था इंसिडेंट, और इसे क्या कहते हैं एग्जैक्टली मुझे पता नहीं। एंड फाइनली काफ़ी मशक्कत के बाद वो लोग मान गए एंड ये हमारा विक्ट्री डांस। एंड इन सब के बाद हम लोग वाटरफॉल देखने गए थे जो वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस में था, और वो था पर्श वाटरफॉल। और ये एक काफ़ी सीक्रेट वाटरफॉल माना जाता है यहाँ पे, और काफ़ी लोग को पता नहीं है मनाली में ये वाटरफॉल के बारे में। तो वो देखने गया था एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। सो हियर यू गो।
मैं अभी हमारे फुल बॉयज गैंग के साथ जा रहा हूँ वाटरफॉल के पास। आज है हमारा डे टू मनाली में। और भाई क्या ही मज़ा आ रहा है, क्या खतरनाक वेलकम हुआ है। नाश्ता भी खा लिया हमने, तो वाटरफॉल में थोड़ा फोटो फोटो खींचते हैं। फाइनली हम वाटरफॉल में आ गए हैं। मेरे पीछे वाटरफॉल है, एज यू कैन सी। काफी ठंडा ठंडा हवा आ रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे। लेट्स गो, ले दो खा दिया। ऊपर आ गया हूँ वाटरफॉल के पास। तो जिस तरह चढ़ाई चढ़ा था बहुत खतरनाक वाला, और वाटरफॉल ये है, ये उसका बॉटम हुआ है वो है। तो GoPro का बैटरी काफ़ी लो है, बट अभी भी हम व्लॉग करेंगे। तो अभी हमारा प्लान बना अचानक से अटल टनल जाने का। रोहतांग का प्लान था बट रोहतांग बंद है क्योंकि बर्फ देखने समय, बस फिर भी हम सोच रहे कि अटल टनल चलते हैं ना। हाँ, हम लोग अटल टनल जा रहे हैं क्योंकि रोहतांग बंद है, पर कहीं तो जाना है क्योंकि आज का ही दिन है, कल फिर शादी में पूरा दिन बिजी होंगे। तो लेट्स गो, सी यू गाइस ऑन रोड।